क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया, जिसके बाद भारत की पारी शुरुआत में अच्छी नहीं रही। यहां तक कि टीम इंडिया पर हार का खतरा भी मंडराने लगा था और भारत की यहां पर बड़ी हार हो जाती। लेकिन उसके बाद पहले तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अद्भुत साहसिक पारी खेली तो सातवें नंबर पर आकर वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरे दिन के बाद चौथे दिन भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां तक कि सुंदर ने पहले फॉलो ऑन बचाया और फिर उसके बाद भारत की हार को पूरी तरह से टाल दिया, वो भी तब जबकि चौथे दिन चेन्नई की पिच पर बैटिंग आसान नहीं थी। जी हां, चेन्नई में सुंदर की अद्भुत पारी ने दुनिया को हिला दिया। सुंदर ने ताबड़तोड़ छक्कों की बरसात के बीच अंग्रेजों को करारा जवाब दिया और अंत तक 85 रन बनाकर आउट ही नहीं हुए। तो आपको दिखाते हैं कैसी थी सुंदर की पारी, कैसे सुंदर ने बचाई भारत की बड़ी हार। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो चेन्नई टेस्ट में अंग्रेजों ने तीसरे दिन तक बल्लेबाजी की और 578 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद टीम इंडिया बैटिंग के लिए आई, हालांकि शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन फिर रोहित के बाद गिल और उसके बाद रहाणे और विराट भी आउट हो गए तो भारत मुश्किल में आ गया। लेकिन मैच के तीसरे दिन पहले ऋषभ पंत ने कमाल किया, ऋषभ ने 91 रन की तूफानी पारी खेली। तो वहीं तीसरे दिन के आखिर में और चौथे दिन की शुरुआत में वॉशिंगटन सुंदर ने अद्भुत पारी खेली। सुंदर तब बैटिंग के लिए आए जब भारत का स्कोर सिर्फ 192 रन था और पांचवें विकेट के रूप में चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए थे। उसके बाद भी भारत ने 150 के करीब रन बनाए और उसमें से 85 रन अकेले सुंदर ने ही बनाए। भारत की पारी 337 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन सुंदर आउट नहीं हुए। सुंदर ने 85 रन की कैसी पारी खेली वो आप भी देखिए। तो सुंदर ने बेहद सधे हुए अंदाज में बैटिंग की। वॉशिंगटन सुंदर ने विशुद्ध बल्लेबाजों की तरह हाथ दिखाए। जब बॉल पुरानी हो गई थी तो सुंदर ने लंबे लंबे बड़े बड़े शॉट्स लगाए और रन भी बटोरे। यहां तक कि जोफ्रा आर्चर पर चौके और एंडरसन पर छक्का भी जड़ा। डॉम्बेस जैक लीच पर भी खूब रन बनाए और कप्तान जो रूट जो कि बॉलिंग के लिए आए थे तो जो रूट के ओवर में 13 रन बटोर लिए। सुंदर ने रूट के ओवर में लंबा छक्का मारा तो वहीं उसके बाद चौका और डबल भी लिया और एक तरफ से विकेट गिरते चले गए। पहले पंत आउट हुए, फिर अश्विन आउट हुए, उसके बाद नदीम, ईशांत और बुमराह, लेकिन दूसरे छोर से सुंदर टिके रहे, अड़े रहे, सुंदर आउट नहीं हुए और ताबड़तोड़ अंदाज में रन भी बनाते रहे। अब पुरानी बॉल से सुंदर ने जहां रन बनाए तो नई बॉल से सुंदर ने बिल्कुल सब्र के साथ बैटिंग की। बॉल्स को छोड़ा, पीछे जाने दिया, बाउंसर्स पर बेहद बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की और सुंदर ने दिखाया कि वो कितने परफेक्ट बल्लेबाज हैं। अब इस दौरान सुंदर ने अंग्रेजों की लीड को भी काफी कम किया और भारत की पारी जब 337 रन पर ऑल आउट हुई तो इससे पहले सुंदर की बल्लेबाजी से अंग्रेज इतना ज्यादा थक गए कि अंग्रेजों ने 241 रन की बढ़त हासिल करने के बाद भी फॉलो ऑन नहीं दिया। जी हां, इंग्लैंड ने भारत को फॉलो ऑन नहीं दिया जबकि 241 रन की बढ़त थी और इसकी बड़ी वजह वॉशिंगटन सुंदर ही थे जिनकी बल्लेबाजी से अंग्रेज गेंदबाज खासे थक गए थे। अब यहाँ पर फॉलो ऑन नहीं देने का मतलब भी समझिए, अगर फॉलो ऑन होता तो टीम इंडिया की हार भी हो सकती थी क्योंकि यहाँ पर चेन्नई की पिच में रन बनाना आसान नहीं था और सुंदर की बैटिंग से ही भारत 337 तक पहुंच पाया। सुंदर ने अपनी 85 रन की पारी में 12 चौके मारे तो 2 शानदार छक्के भी जड़े। हालत यह थी कि सुंदर अकेले दम पर मैच को इतने आगे तक खींच लाए। हालांकि अश्विन ने भी सुंदर का अच्छा साथ दिया और इससे पहले पंत ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो रोल सुंदर ने सातवें नंबर पर आकर निभाया, जो बल्लेबाजी सातवें नंबर पर आकर की, वो कमाल थी। अब सुंदर टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी, बेहद उपयोगी ऑलराउंडर बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में गाबा टेस्ट मैच के हीरो सुंदर ने यहां भी भारत के लिए बड़ी और साहसिक पारी खेली और यहां भी भारत के लिए फॉलो ऑन के साथ साथ मैच में हार भी बचा ली। तो आपका सुंदर पर, सुंदर की पारी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच में जहां पहले 3.5 दिन इंग्लैंड की टीम हावी रही, लेकिन मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने जबरदस्त पलटवार किया और फिर मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया।
इंग्लैंड की टीम पर अश्विन ने पंजा मार दिया और अंग्रेजों को बुरी तरह से घायल कर दिया। हालत यह है कि कहां तो टीम इंडिया की हार पक्की लग रही थी, अब टीम इंडिया पांचवें दिन मैच को जीतने जा रही है। जी हां, पांचवें दिन टीम इंडिया की चमत्कारिक जीत होगी और इसका ऐलान खुद टीम इंडिया की तरफ से किया गया है। तो चौथे दिन कैसे हुआ पलटवार, पांचवें दिन कैसे होगा चमत्कार, आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो चेन्नई के मैदान में अंग्रेजों को लगा था कि वो मैदान मार लेंगे, पहले 578 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया तो फिर टीम इंडिया को जल्दी जल्दी झटके भी दिए। हालांकि बैटिंग में पहले पंत और फिर सुंदर और अश्विन ने टीम इंडिया को 300 के पार पहुंचाया और भारतीय टीम 337 रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन इसके बाद भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम हार भी सकती है, लेकिन फिर हुआ अचानक पलटवार 3.5 दिन के बाद। 3.5 दिन तक इंग्लैंड हावी था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई भारत ने हमला कर दिया, पलटवार कर दिया। पारी की पहली बॉल पर, जी हां पहली बॉल पर अश्विन ने बर्न्स को आउट कर दिया। अश्विन ने शानदार बॉल पर रोबर्न्स को स्लिप में रहाणे के हाथों कैच आउट कराया। ये तो शुरुआत थी, इसके बाद लंच हो गया। लेकिन लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो यहां भी अश्विन के साथ टीम इंडिया का कमाल जारी रहा। बर्न्स के बाद अश्विन ने सिबली को भी आउट कर दिया और अंग्रेजों को दूसरा झटका दिया। अब यहां पर भारतीय टीम जबरदस्त बॉलिंग कर रही थी, इंग्लैंड को तीसरा झटका ईशांत शर्मा ने दिया जब ईशांत ने लॉरेंस को आउट कर दिया। इसके बाद अश्विन ने बेन स्टोक्स को भी ढेर कर दिया और फिर बुमराह ने कप्तान जो रूट को चलता कर दिया और 100 रन के आसपास इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। चार तक इंग्लैंड का स्कोर 119 रन था 5 विकेट के नुकसान पर और 360 रन की बढ़त हो चुकी थी। और इसके बाद भी जब टी के बाद खेल शुरू हुआ तो यहां भी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की, अश्विन ने तो जबरदस्त साहस दिखाया और अंग्रेजों को पूरी तरह से ढेर कर दिया और टीम इंडिया को 400 के पास का स्कोर मिला। अब यहां पर पांचवें दिन टीम इंडिया इस बड़े लक्ष्य को हासिल करेगी और बड़ी बात यह है कि अब पांचवें दिन चमत्कार होने वाला है। जी हां, दिन के खेल के बाद मीडिया से मुखातिब हुए वाशिंगटन सुंदर ने कहा कि हम पांचवें दिन मैच को जीत के लिए खेलेंगे, हमने ऐसा पहले भी किया है, यहां भी करेंगे, इंग्लैंड को हराएंगे, भारत के पास शानदार बल्लेबाजी है और ऊपर से स्पिन खेलने वाले शानदार खिलाड़ी भी हैं। आपको बता दें कि टॉप ऑर्डर के बड़े बल्लेबाजों के अलावा पंत और सुंदर निचले क्रम पर आते हैं और दोनों ही स्पिनर्स को शानदार खेलते हैं और पंत एक बार फिर ब्रिस्बेन की तरह यहां भी ताबड़तोड़ जीत दिला सकते हैं और जीत और भी बड़ी होगी क्योंकि इंग्लैंड को 578 रन के बाद हराना बड़ी कामयाबी होगी। और अब तो सुंदर ने टीम इंडिया की तरफ से ऐलान भी कर दिया है कि भारतीय टीम जीत के लिए खेलेगी और जीत कर दिखाएगी। तो आपका क्या कहना है, क्या चेन्नई में टीम इंडिया टेस्ट मैच को जीत पाएगी, क्या चमत्कार हो पाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।